जी मेरा नाम बिकम सिंह है। जी ये मुसलमान है, नाम बिकम सिंह है, यहाँ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी सिंह होगा और वो होगा, वो अपना धर्म निभा है। और राजपूत ठाकुर है हम। अच्छा, आपका नाम विक्रम है और आप मुसलमान? हाँ, बिकम सिंह। अरे वाह, पिताजी का बताओ हमने पूरी। नाम अजमेरी है। हाँ। और बेची कोई दिक्कत नहीं, ऐतराज नहीं कोई, आपस में बढ़िया रहते। पिताजी का नाम अजमेरी और आपका नाम विक्रम सिंह? बिकम सिंह। बिकम सिंह, हाँ, मार्कशीट वगैरह सब में बिकम सिंह नाम है। हमें आधार कार्ड में? हाँ, सब में। तो ऐसे कभी कभी किसी जगह गए तो कोई बोला नहीं पिता मुस्लिम और तुम हिंदू, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे मतलब सब, जैसे इंडिया की जो कल्चर है सब जानते हैं लोग के, मतलब आज से कम जब औरंगजेब का जमाना आया था उस समय में हम हिंदू से मुस्लिम हो गए थे तो सब लोग जानते। नहीं जानते भैया, अगर सब ये जानते तो इतनी लड़ाई नहीं। ज्यादातर आदमी का क्या नाम है? विद्या देवी। क्या नाम है? विद्या देवी। अरे वाह, आधार कार्ड में है, मार्कशीट में है, सब चीज में है। पिताजी का नाम और मम्मी का नाम एक साथ लीजिए ना। पिताजी का नाम अजमेरी है और मम्मी का नाम विद्या देवी है। दिखा आपने, गजब गजब। हाँ ना, सब चीज डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज विद्या देवी चलता ऐसे ही है नाम है, मैं तो ऐसा ही है। मेरा नाम मुबीन है, बाप का नाम विजेंद्र सिंह है। इनके साथ सुनिए भाई, मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम मुबीना है, पापा जी का नाम विजेंद्र सिंह है। वाह, मेरा नाम मुबीन है, इसका नाम है राजा पहलवान और इसके पापा का नाम है नेत्रपाल और मम्मी का नाम है सुनीता देवी। हमारी सुनो, मुसलमान है। हमारे पिताजी का नाम है तेसो और हमारी मम्मी का नाम है राम बेटी। हाँ, और हमारा नाम है दानिश खान। नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है, ये इंसान की औलाद है, इंसान ही यहाँ कुछ नहीं, ये तो ठेकेदार हैं, ये यूं कर देंगे, धर्म के नाम पर ये लूटते खाते हैं, अपना पैसा करते हैं, किसानों को तो खाली अपना बस यही है, कुछ नहीं है। अपने भाई भाई रहो, मिलजुल के रहो, ब्याह शादी में आओ जाओ, यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है पूरे गांव में कि ये हिंदू है या ये सिख है कि ये वो है फलाना है, यहाँ कुछ नहीं है। बस सेता से अजब फूल दो रंग खिले, स्याह रंग एक का और सफेद एक है, जितनी कलियां उगी करने वाह वाह लगी, वर्ग गुल है अलग बेल तो एक है, कोई मंदिर चढ़ा कोई मस्जिद, कोई मंदिर चढ़ा कोई सहरे चढ़ा, कोई नाली फिका कोई कहीं, यानी हमारी जो है जितने भी एक ही दादा की औलाद है, इसलिए मैंने कहा है ब्रह्म यकम त्वम नास्ति है लिखा, ईश्वर एक है नास है दूसरा। ऐसे ही ब्रह्म यकम त्वम नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा नहीं। इधर कलमा भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भी इबादत के लायक सिवाय अल्लाह की। ये कह रहा है ना, ब्रह्म यकम त्वम नास्ति है लिखा, ईश्वर एक है नास है दूसरा, जितनी कलियां उगी करने वाह वाह लगी, वर्ग गुल है अलग बेल तो एक है, गुल सिता से या जब फूल दो रंग खिले, स्याह रंग एक का और सफेद एक है, ब्रह्मा विष्णु महादेव नरसिंह कहे, साष्टांग उत्तम भजन एक है। आठ से जमीन पर टिक जाने को उत्तम भजन कहते हैं, और जब मुसलमान सजदा करता है तो आठ ही से उसके जमीन पर टिकते हैं, दो पैर दो घोटू दो हाथ और एक नाक और माथा, आठ आठ ही से जमीन पर टिकते हैं। ब्रह्म यकम तुम नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा नहीं, कहने का सारांश ये है, कलमा भी यही कह रहा है कि नहीं है कोई भी इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और वराक रसूल है। इधर ब्रह्मा विष्णु महादेव नरसिंह कहे साष्टांग, यानी साष्टांग आप भी करते हो लेकिन आपके करने का ढंग अलग है और हमारे करने का ढंग अलग है। हम जब सजदा करते हैं तो दो पैर दो घोंटू दो हाथ और नाक माथा आठ आठ टिकते हैं, उसी को सजदा कहते हैं और उसको साष्टांग कहते हैं ना, कहते हैं ना, कहते हैं। तो ये है, तो अब मजहब एक है, और ये तो देखो
मजहब जुदा जुदा है, मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, हिंदू हो या मुस्लिम खुदा सबका हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है और मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा है, और मैं तो ये कहता हूँ ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, और बदी पा जाए तो ये इंसान बुरा है और क्या। गीता के श्लोक बता रहे थे क्या, गीता के श्लोक, गीता के श्लोक तो नहीं वो रामायण के गीता के, देखो सुनो इस वक्त पे कि जब अर्जुन ने, अर्जुन को गुस्सा नहीं आई तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये महाभारत तो होना था, महाभारत तो होना था, तो उन्होंने कहा कि रण हत्यारो द्विवचन, रण हत्यारो द्विवचन, वचन पलट बहमार, और इन चारों छोड़ू नहीं सुन ले पंड कुमार, हे अर्जुन पुत्र, ए कुंती पुत्र अर्जुन ये सुन, जानी वचन पलट, वचन देकर के पलट जाना, और धोखाधड़ी करने वाला, और रणहत्यारा किसको कहते हैं, रणहत्या उसको कहते हैं कि रण हमारा तुम्हारे सामने जंग हो रही हो, अगर हमारा जैसे मालिक दे, और जो हथियार डाल के भाग जाए तो भागने के बाद में जब उसको उसके ऊपर प्रहार किया जाए, नित्य पर प्रहार किया जाए, उसको कहते हैं रणहत्यारो। तो जभी तो जब अभिमन्यु के साथ में धोखा किया, और इधर यानी नित्य पर बात की, चक्रव्यूह को जब तोड़ा, और उधर भीम को जहर दिया गया, बच्चों को कुचल के मारा गया, तो इसलिए जब जो है जब कहा है कि रण हत्यारो द्विवचन, वचन पलट बहमार, और इन चारों छोड़ू नहीं तो सुन ले पंड कुमार, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तो तेरे ऊपर तो वो है, ये तो पहले ही मरे हुए पड़े हैं, मुंह बार के जब दिखाया जब महाभारत हुआ, क्या समझे, बस और कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे है। छोटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक जी। अच्छा, अब आप, आपको बताएं, ये दोनों लोग भाई हैं, एक भाई मुस्लिम और एक भाई हिंदू है, सही बोल रही हूँ? हाँ सही, बिल्कुल सही है, सत्य है, बिल्कुल हाँ सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये चाचा के लड़का है। अच्छा, आप कौन सा धर्म मानते हैं? कौन हम? हाँ। हम तो इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। हाँ, यही सवाल था, मैं यही समझना चाह रही थी आपसे। हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। हाँ। और जे ऐसे को मानते हैं, वैसे यहाँ कोई वैसा काम नहीं है, कोई पिछ पाप नहीं है कोई। अच्छा, तो ऐसा कैसे है इस गांव में कि मतलब एक ही परिवार के एक भाई हिंदू और एक भाई मुस्लिम, ऐसे कैसे? जे ऐसे जो है कि औरंग बादशाह के जमाने में जो कोई अदल बदल हुआ था, और जी जो ब्याह शादी होती हैं जो खुशी की खातर होती हैं, तो जो लड़कियां जो रोती हैं हर जाति में रोती हैं, वो जा कारण रोती हैं कि तो बेटी बाप घर के आप घर, जब बादशाह के जमाने में थोड़ी कोई तो चाहे वो नेक नीयत रोके चाहे बदनीयत रोके, तो जो रो ठीक चाप ही ना को जब चालू हो, तो हमने मजहब जो है चेंज कर दो, सबरी लोगों ने कर दो। अच्छा। तो हम लोगों से कहते हैं मलकाने, और वे जो पहले वाले हैं वो पहले वाले ना कारण जो है तो बिना की जो जोधा भाई जो थे का ही बिने, तो फिर शर्म ही नहीं रही, कहते तो लड़ाई लड़ते मारते और मारते, हमने के ऐसा मजहब का काम को जाते हमारी बेइज्जती है रही है, तो हमने मजहब चेंज कर दो सब भाई ने, एक बार सब मुस्लिम हो गए। अच्छा। सारे मुस्लिम हो गए, ये थोड़ा फिर पलटा खा गए, हम अपनी जगह पे बने रहे। ये हुआ। अब ये कहानी ये है कि औरंगजेब के समय में इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बना, फिर आजादी के बाद कुछ लोग फिर वापस हिंदू धर्म में आ गए और कुछ लोग मुस्लिम ही रह गए, तो आप नहीं बदले? नहीं, आप बदल गए, दोनों भाई भाई मौसम की तरह बदल गए। नहीं हम बदल गए, वैसे ये बहुत कम है यहाँ हमारे गांव में ऐसा है, सुनो बस कम तो है। हाँ। जे 100 जो हिंदू धर्म के, जे 100 हम 9 मुस्लिम, ये बराबर है, ये बोल नहीं पाते हैं, जे मूर्ख हैं, गमार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये दो भाई समाज हैं। हम पढ़ी लिखी समाज हैं। खून कोई बदलो ना है, अब भाई खून ना बदलो, अब खून जाते हैं हमारे, ये बदल चले जाएंगे कोई कछु कहे तो कोई कछु कहे। आदर करते हैं, इज्जत करते हैं हम लोगों की, कि हम जूता उतार के 5 मारते हैं तो ऊपर को हाथ नहीं करेंगे, ये हाथ नहीं करेंगे, चूंकि खून तो एक ही ना है, बड़े लोहरे का अदब है, अभी अभी तो अदब है, वैसी कोई बात नहीं है, भेदभाव नहीं है कोई, भेदभाव नहीं। अच्छा, जब ऐसी शादियां होती होंगी तो कैसे होती होंगी, जैसे अभी हम एक घर से आ रहे हैं तो वो जो लड़का है वो मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, तो कौन सी परंपरा से शादी होगी, हिंदू या मुस्लिम?
ना 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 ऐसा नहीं है। न्या का मनिया होता है मई पपता है। जो लड़की को दाम बेचता है तो वो उसकी कोई जाति पाति नहीं होती है, और जो मेल पे मेल नहीं देखता है वो साली कोई जात पात नहीं होती है। न्या का मनिया होगा वो मई पवेगा, निकाह वाले का ब्याह निकाह से होगा, इस्लाम धर्म का इनका भावरण से होगा। अच्छा जे हम अगर कुछ नहीं कर सकते इनकी शादी में हम जाएंगे और हमारी में जे आएंगे, ऐसी कोई आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ। जैसे शादी जो परंपरा निभाई जाएगी वो हिंदू रीति रिवाज से होगी, आगे के फेरे वगैरह लिए जाएंगे, कबूल है बोले उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो अपना धर्म कि जैसे हिंदू धर्म से हैं वो, हाँ। और वो मुस्लिम धर्म से हैं, हाँ। वो अप नमाज पढ़ते हैं, वो अपने धर्म से पूजा पाठ करते हैं, ऐसे भी कोई हाँ कोई वो ऐसी कोई कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। भामरों से करी है उन्होंने, उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी की है वो भामरों से की है। हाँ तो वो फेरा ले रहे थे वो जो भाई थे हमारे, वो तो अपने प्यार मोहब्बत में शादी करी उन्होंने। ये शादी जो वही है वो प्यार में वही है, अत को प्यार हो एक है, ये रोटी ना खा सकते ऐसी कोई बात ना। प्यार की कोई भाषा नहीं है भाई, गजब। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। हमनते तो कौन करोना है सो हमें मालूम होए, हमें मालूम होती तो हम कर लेते। अंधा हो तो प्यार, प्यार की कोई जात पात। इधर आइए तो आपको कैसे पता अंधा होता है जब आपसे कोई किया ही नहीं। हमने करा था मगर हमको मिली नहीं, वो पहुंची कहीं अंत और हम पहुंचे कहीं अंत, ये हुआ हमारे साथ में। तो प्यार की कोई जात पात नहीं होती, कोई भेद। आप उसको नहीं समझा पाए क्या? आप समझाया अपनी था मगर उसके घर वाले नहीं समझे थे। ये सच है। हाँ, कौन सा घर है, क्या नाम है उनका? घर नहीं, लगभग हर घर ही ऐसा है यहाँ पे। हाँ ऐसा है कि ये हमारा गांव जो है माघसुदी बसंत पंचमी को और आज से लगभग 900 साल पहले बसाया गया था। महाराज सिंहपाल जो थे करौली के राजा के लड़के थे उन्होंने, और उसके बाद जो है उनके कुछ वंशज जो हैं सूफी संतों के प्रभाव में आके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और कुछ हिंदू धर्म ही बने रहे। तो उसके बाद फिर जो है स्वामी सरदानंद सरस्वती का जो शुद्धि समाज आंदोलन चला उसमें कुछ लोग दोबारा से पुनः धर्म परिवर्तित होके हिंदू धर्म में चले गए जिन्हें शुद्धि ठाकुर कहा जाता है, और जो मुस्लिम बने रहे वो मुस्लिम राजपूत बोले जाते हैं, और जो शुरू से हिंदू थे वो हिंदू ठाकुर बोले जाते हैं। तो हमारे खेड़ा में हैं वो हिंदू ठाकुर हैं, हम लोग मुस्लिम राजपूत हैं, और जो हमारे भाई शुद्धि हो गए वो नए वाले ठाकुर ही बोला जाता है। अगर किसी भाई को ये लगता है कि मुझे खुदा की इबादत करनी है तो उसके हिंदू भाई बाकायदा उसे मस्जिद तक छोड़ के आएंगे। अगर किसी इसको हिंदू भाई को उसको ये मुसलमान राजपूत को ये लगता है कि मैं तो कन्हैया जी की पूजा करना चाहता हूँ मेरा मन वहाँ लग रहा है तो उसके मुस्लिम भाई उसे बाकायदा मंदिर तक छोड़ के आएंगे। धर्म के मामले में यहाँ पे ऐसा शुरू से ही है। और हाँ हम अच्छा ये हमारे 42 गाँव है जादौन ठाकुरों के। हाँ अतिरिक्त जादौन है।